अरे ये दोनों अभी तक उठी नहीं, ऐसे नहीं मानेगी, जाके उठाना पड़ेगा। उठो मम्मी प्लीज, मम्मा प्लीज वाटर लो प्लीज मम्मी। हाँ सारी ठंड तुम लोगों के लिए ही है, मैं तो इंसान ही नहीं हूँ। सुबह 5 बजे से उठी हूँ, कभी तुम्हारी यूनिफॉर्म प्रेस कर रही हूँ, कभी पानी गर्म होने रख रही हूँ, कभी तुम्हारे टिफिन बना रही हूँ, तुम्हारे पिताजी का टिफिन बना रही हूँ, ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, स्कूल बैग पैक कर रही हूँ। मुझे तो ठंड लगती ही नहीं है। 2 मिनट में उठ के रेडी हो जाओ, मैं अब दोबारा उठाने नहीं आऊंगी, समझ में आ रहा है? अरे इतनी ठंडी क्यों हो रही है? अरे मेरी चप्पल! अरे यार मत कर, मेरी चप्पल कहाँ है? मम्मी मेरी चप्पल कहाँ है? अरे मेरे को चद्दर दो। वही होगी बेड के नीचे। नहीं है ना बेड के नीचे, रुको रुको, गिर जाऊंगी मम्मी। ओह दिख रही है, रुको। अरे मम्मी मेरी चप्पल तो टूट गई है, रुको। ऐसे नंगे पाँव देखती हूँ, कितनी ठंडी हो रही है समीर, डर लग रहा है। इतनी ठंडी हो रही है समीर, तुझे पता है बर्फ से ज्यादा ठंडी तो जमीन हो रही है। अरे क्या करूँ, ऐसे करती हूँ, टूटी हुई चप्पल से ही चलती हूँ। इतनी ठंडी हो रही है, मुझे कंबल दे। अरे यार फिर से सॉक्स गीले कर ली। मम्मी ने कितनी बार बोला है कि सॉक्स लेके मत जाया कर गीले बाथरूम में। ओ चल अभी सॉक्स उतार अपनी। ओ ठंडी है। मम्मी पानी तो बहुत ठंडा। हाँ लाइट गई हुई थी सुबह से, अभी अभी लाइट आई है। अब जितना गर्म है, जैसा गर्म है उसी से नहा लो, लेट हो जाओगे वरना। फटाफट रेडी हो। अब नहाने का क्या करना है? हमसे नहीं नहाया जाएगा, हमको खुद को ना ड्राई क्लीन कर लेना चाहिए। मम्मी भगवान बचा लेना। हो गया ज्यादा ही नहा लिया आज। बाय मम्मी बाय। ए स्वेटर कहाँ है तुम लोग के? मम्मी हम लोगों का ना स्कूल में स्टाइल है, स्टाइल। और अगर हम लोग स्वेटर पहन के गए स्कूल तो फिर लोग हमको चंपू बुलाएंगे। वहीं रुको, अभी निकालती हूँ तुम्हारे स्टाइल और चंपूगिरी। वहीं रुको। मम्मी स्वेटर नहीं, मम्मी मम्मी जैकेट और ये अन्य दो। मम्मा आप जाएं। हाँ अब लग रही हो मेरी रानी बेटी। और हाँ ये स्वेटर जैकेट उतरने नहीं चाहिए, चढ़ते मौसम की पहली सर्दी है, बीमार पड़ जाओगे समझे। ऐसे ही वापस आना। जल्दी चल, स्वेटर पहनने में आधा घंटा लग गया, चल जल्दी, इतनी ठंडी है। बच्चे तो गए, बच्चों को स्कूल भेज के ऐसा लगता है किला फतेह कर लिया। चलो सारे काम, अभी सुबह के तो काम निमट गए, थक गए यार, एक झपकी ले लेती हूँ तब जाके आप बाकी के काम करूंगी। बहुत ठंड हो रही है। दीदी धूप का तो पता ही नहीं चल रहा, ये कहाँ है? ऐसा लग रहा है अभी बर्फ गिर जाएगी। ओए दीदी मैं तो अपना बैग ही भूल गई। क्या? तो अपना बैग ही घर में भूल आई? दीदी जाओ जल्दी मेरा बैग लेकर आओ। अरे यार नहीं ऐसे नहीं, अब तो ऐसे ही चली जा स्कूल। अरे नहीं मेरे को अपनी माम से डांट नहीं खानी। अच्छा ठीक है ऐसा कर, तू जा बस को पकड़, वहीं पे रोक और मैं अभी आती हूँ। भगवान जी प्लीज आप आज बस को ना बहुत लेट भेज देना, क्योंकि टायर पंचर भी कर देना और ट्रैफिक भी बहुत। भगवान जी प्लीज प्लीज। हे भगवान इतनी ठंड में डबल राउंड लगाना पड़ रहा है, इसके चक्कर में कितनी ठंडी हो रही है। कोई बैग कैसे भूल सकता है, अपनी बुक भूल सकता है, लंच बॉक्स भूल सकता है, वाटर बॉटल भूल सकता है, ये अपना पूरा बैग ही भूल आई है। भगवान, मैं इतनी बुद्धू कैसे हूँ? अब मेरी बस छूट गई तो कौन ड्रॉप करेगा? ओ यार, यहाँ पे तो कोई बच्चा भी नहीं दिख रहा। कहीं मेरे को बस छोड़ के तो नहीं चली गई? यार मम्मी खोल क्यों नहीं रही है गेट? बस ना निकल जाए। दीदी आप कहो, आप इतना लेट क्यों कर रही हो? बस वाले अंकल आ जाएंगे। मम्मा प्लीज दरवाजा खोल दो। ओह नो, बस आ गए। दीदी कहाँ? दीदी अभी तक आई नहीं। ओह नो, दीदी जल्दी आओ। क्या करूँ मम्मी, गेट ही नहीं खोल रही, बस निकल जाएगी। आइडिया, ये अंकल से फोन मांगती हूँ। अंकल आप प्लीज मुझे अपना फोन 2 मिनट के लिए दे दोगे? मुझे अपनी मम्मी को फोन करना है। थैंक यू। मम्मी फोन क्यों नहीं उठा रही है? बस एक बार फिर से ऐसा करती हूँ, पापा को फोन करती हूँ। हेलो पापा। हाँ बोल। ये किसके नंबर से फोन कर रही है? अरे पापा मम्मी दरवाजा ही नहीं खोल रही, पता नहीं क्या हो गया। क्या दरवाजा नहीं खोल रही, क्या हो गया? अरे पापा आपको पता है क्या हुआ? पूरा स्कूल बैग ही भूल गई। अच्छा तू घबरा मत, मैं क्या करता हूँ, मेरे पास दूसरी चाबी है, मैं घर जाके उसका बैग उठाऊंगा और फिर स्कूल में ड्रॉप कर दूंगा। तू जा उधर स्टॉप पे, वेरोनिका तेरा वेट कर रही होगी, ठीक है? मैं घर जाके देखता भी हूँ मम्मा को क्या हो गया है। ओह लेट हो गया। चलो बेटा जल्दी बैठ जाओ बस में। अंकल 1 मिनट, दीदी बस आ रही है। बेटा बस लेट हो रही है, फिर आपकी असेंबली शुरू हो जाएगी। अंकल प्लीज। अरे बस ना छूट जाए, जल्दी जल्दी। बेटा लेट हो रहा है, बैठो बस में। दीदी प्लीज जल्दी आ जाओ। आ रही हूँ, रुको। अरे दीदी आ गई। ये दीपाली, 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 दीपाली। ओह नो, इसको तो बहुत तेज बुखार है। अरे तुम कैसे घर आ गए इस समय? अरे रिदम ने मुझे फोन किया था, उसने बोला था बट लेकिन तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। अरे ये सब तो चलता रहता है, पहले उसका बस्ता पहुंचा के आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। अरे यार रुको रुको रुको, तुम्हें बहुत तेज बुखार है, ऐसा करो तुम 2-4 दिन आराम करो, मैं और बच्चे घर का सारा काम संभाल लेंगे। तुम और बच्चे सब संभाल लोगे? अरे हम संभाल लेंगे, फिर क्या सब संभाल लोगे? संभाल लेंगे। तुम्हें आराम करो। हाँ आराम करो तुम। The next morning. ये तो बहुत ठंडा हो रहा है यार। मामा रोज कैसे पोछा लगाती है। इतनी ठंडी हो रही है मम्मी, इतनी ठंड में बर्तन कैसे मारती है? कितना ठंडा हो रहा है पानी। मम्मी रोज ये कैसे साफ करती है, इतनी ठंडी है। फ्रेंड्स बस एक दिन आप अपना झूठा ग्लास ठंडी में मांझ लो। हाय कितना डरावना काम है, इतनी ठंडी लगती है। फिर आपको समझ आएगा कि मम्मी कितने डरावने काम करती है, उनकी लाइफ कितनी डिफिकल्ट है। और अगर बर्तन ही नहीं तो कुछ और कर लो, किसी और वे में हेल्प कर लो अपने मम्मी पापा को। आई एम श्योर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को करो लाइक और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।